नहीं तुम तो पीटर मुंह में दूं आपको, पीटर दूं आपको, तूने कुछ नहीं कहा उसे? नहीं मैंने सीधी बात बता, सीधी बता रहा। हाँ तो वो बाहर फसलों में थी के साथ। बेसिकली जो इसमें से दो बंदे हैं जिन्होंने इसे कॉल की और बहाने से मकान जो है आपको रेंट पर लेकर देते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इनका प्लान ही था इस बीबी को बुलाने का और फिर ये सारा हुआ करने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मियां वकार और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल टीवी। नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूं गार्डन टाउन थाने में, जेंटर सेल में मौजूद हूं। यहां पर पुलिस ने चार मुलजमान दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने एक नौजवान खूबसूरत लड़की को किसी बहाने से बुलाकर उसके साथ रेप किया। आइए नाज़रीन चलते हैं और मुलजमान से बात करते हैं। से इमरान कौन है? मैं। इमरान तुम ये क्या माजरा था, क्या मामला है, कैसे उसे बुलाया लड़की को, कौन कौन थे आपके साथ? ये हमने फोन करके बुलाया, वो आई, हमने उसे बैठक में लेके गए। फोन करके क्या बोला उसे? फोन करके उसने बोला मुझे पैसों की जरूरत है। हमने बोला ठीक है आ जाओ हम तुम्हें देते हैं। नहीं आज तुमने ये नहीं बोला कि आज मकान दिखाता हूँ आपको रेंट के लिए, घर दिखाता हूँ? जी नहीं, जो बात हकीकत है ना वो बता मेरे साथ। बोला हमने बोला आया तुम्हें मकान दिखाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर हम उसे बैठक में लेके गए, उसके साथ गलत तरीके से काम किया। इनको कैसे बुलाया था? ये बाहर खड़े थे। ये पहले से सारा प्लान किया था? नहीं, जब वो जा रही थी तब इन लोगों ने रोका। तुम्हारा क्या नाम? अब्दुलसलाम। अब्दुलसलाम कैसे तुमको, कैसे सारा ये सब पहले से प्लान किया हुआ था तुम लोग? नहीं हमें बाद में पता चला था कि अंदर लड़की थी, फिर हम बाहर खड़े थे, भाई के पास पिस्टल था तो फिर हम लोग ले गए। वो वहाँ पे मेयर अर्शद आया तो उसके कहने पे हम बाहर चले गए, बाहर जा गए फिर हमने काम किया उसके साथ। क्या काम किया? गलत काम किया। अच्छा फिर आ गए? फिर वो चले गए। जो लड़का इसके साथ था वो कौन था, क्यों मारा उसे? वो उसके साथ लड़ाई हो गई थी, वो लेने के लिए आया था उसको। हाँ लेने के लिए आया जी। तुम लोगों ने मारा उसे? जी बस एक टमाटर ही मारा था। शादीशुदा? जी हाँ। कितनी उम्र है? 43 साल। तो जरा शर्म है जी भाई, बिल्कुल। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? सजा तो कहते हैं फांसी या 25 साल। नहीं फांसी होनी चाहिए ना तुम्हें जी, हकदार हो ना फांसी के जी। माफी होनी चाहिए हमें। क्यों माफी क्यों होनी चाहिए? एक अकेली लड़की बेबस लाचार लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म किया तुम चारों दरिंदों ने, तो माफी की उम्मीद है तुम्हें? गलती होगी सर। सजा क्या होनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है? फैज मोहम्मद। फैज मोहम्मद कैसे तुम इनके साथ मिले? ये बाहर मिलने आए थे इसको, लड़की इसके साथ। ये बाहर ठंड थी, ये कहता मुझे जगह चाहिए कमरा, मैं हाँ मेरे पास आ जाओ। ये मेरे पास ले आया, उधर फिर हमने जो करना था वो किया, गलत काम हमारे, गलत कार्य की। हाँ जी किया। और वो हमसे वो रोती रही चिल्लाती रही बेचारी। कोई नहीं जी हमसे नहीं वो रोती रही, वो बाहर जब निकली है इन दोनों ने जब धक्का वो इनने जब किया वो वहाँ वो रोती रही है। खुदा के वास्ते डालती है जी इनसे, हमारे से वो रजामंदी से आई। शादीशुदा? नहीं। शर्म आती है? हाँ जी। घर में माँ बहन है ना? हाँ जी बिल्कुल। शर्म आती है? बिल्कुल। तो क्या सजा होनी चाहिए? सजा तो बहुत सख्त है, वैसे हम माफी मांगते हैं, जो जो दे देगा तो ठीक है, नहीं वरना जो सजा मिलेगी हम कबूल है। शर्म बिल्कुल नहीं आई कि तुम चार लोग, एक अकेली तनहा लड़की जो चीखती रही चिल्लाती रही वास्ते अल्लाह के डालती रही, बिल्कुल शर्म नहीं आई? इंसानियत कहाँ थी? मैं इंसानियत गुम मर गई थी, बहरहाल अब नहीं कभी करेंगे। इतनी जो आग थी तो शादी नहीं कर सकते? घर वालों को बोलो मेरी शादी करे। ठीक है जी हम बोलेंगे, आप घर वालों को जो बच गए तो ना बचे तो फिर बावारस। अब आगे जो होगा, आगे तो जेल में जाओगे ना आप लोग, आगे तो शादी की उम्मीद ही नहीं है? घर में सब कुछ है, माँ बाप बहन भाई हैं? हाँ जी हाँ। तो शर्म नहीं आती? आती है। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा हफीज, कैसे इनके साथ इन्होंने बुलाया था, कैसे प्लान किया था, कैसे वो लड़की आपके हत्थी चढ़ी? वो सर जी पहले इनके पास आई हुई थी, मैं बाद में आया हूँ गली में, तो इनके पास से ऐसे निकली है बाहर और उसे रोका, तो उसको जो लेने आया था उसके साथ झगड़ा हो गया। क्यों झगड़ा हो गया? बस वो अब्दुल सलाम जो था वो कह रहा था कि मुझे मेरे साथ चलो,
अब्दुल सलाम को ज्यादा आग थी। हाँ तो फिर मैंने उसे कहा था चली जाओ, बोले नहीं मैंने कुछ नहीं कहा उसे। तो नहीं तुम तो पीटर मुंह में दूं आपको, पीटर दूं आपको, तूने कुछ नहीं कहा उसे? नहीं मैंने सीधी बात बता, सीधी बता रहा। हाँ तो वो बाहर फसलों में थी उसके साथ, वहाँ पे फिर रो रही थी, तो मैंने कहा क्या मसला, जाना आप? बोल रही हाँ जाना, चलो ठीक है जाओ। जो उसके लेने आया था उसके साथ में बिठाया, वो चीखती रही, वास्ते डालती रही, ऐसे ही है ना? हाँ जी। लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मैंने खुद उसको बिठाया उनके साथ। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया नहीं, उसके साथ? बिल्कुल। अच्छा अब्दुल सलाम ने कैसे इसको वो वास्ते डालती रही है, क्यों नहीं छुड़वाया तुमने, तुम्हारी गैरत कहाँ पे थी उस टाइम? वहाँ पे वो भी वहाँ पे थे, हम थोड़ा सा दूर खड़े हुए थे, ये पहले लेके दोनों आए थे, ये और लड़की पहले आए थे, बाद में वो अल्लाह के वास्ते डालती रही है। आगे से तुम लोग बोलते रहे हो कौन अल्लाह? नहीं यार, तो किसने बोला है? घर में माँ बहन है? सब है। शादीशुदा? शादी की थी, छोड़ दी। छोड़ दी, इसीलिए ऐसे हो। अल्लाह ना करे कि तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा हो, क्या रिएक्शन हो? उस मुल्जम को मार देना चाहिए या उसे माफी देनी चाहिए? माफी की गुंजाइश है ऐसी? माफ कर दोगे उसे? नहीं माफ नहीं करा। तो फिर तुम्हें सजा होनी चाहिए ना? जी जो बेहतर आप तुम्हें। नहीं नहीं मैं कौन होता हूँ, सजा होनी चाहिए ना, अपनी सजा का इंतखाब खुद करो। गुनाह किया है ना? तारिया जो किया, गुनाह किया है ना? हाँ जी। सजा होनी चाहिए? बेशक। क्या सजा होनी चाहिए? जो अदालत देखेगी, कार्रवाई करेगी, जो होगी। ठीक। अब नमोशी नहीं है कि आपके घर वाले माँ बहन बेटे सारे देख रहे होंगे? वो तो पहले भी देख चुके हैं, आज पहले तो शर्म नहीं है? कितने दिन तो हो गए मीडिया वाले सवाल जवाब, शर्म नहीं आ रही? शर्म अब और क्या, टकरे मारे दीवार। नाजरीन आप देख सकते हैं ये दरिंदा सिफत इंसान जो है, इनके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं है कि एक नन्ही फूल जैसी बच्ची की इज्जत को तार तार करके ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो दो नंबर औरत थी, उसके करेक्टर पर जो है वो दाग लगा रहे हैं ये लोग। नाजरीन चलते हैं जेंडर सेल इंचार्ज मिसबा हफीज की तरफ, उनका क्या कहना है। नाजरीन जेंटर सेल की इंचार्ज मिसबा हफीज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इनसे जानते हैं कि इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त है, इन्होंने क्या तफ्तीश में पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का मैम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुल्जमान है इनके, ये कोई प्लान किया था इन्होंने लड़की के साथ मतफेली करने का, या ये हादसाती तौर पर हुआ? बेसिकली जो इसमें से दो बंदे हैं जिन्होंने इसे कॉल की और बहाने से मकान जो है आपको रेंट पर लेकर देते हैं, तो मेरे ख्याल से तो इनका प्लान ही था इस बीबी को बुलाने का और फिर ये सारा हुआ करने का। तो इन्होंने उसको कॉल करके बुलाया है कि आप आ जाएं, हम आपको मकान ले देते हैं। तो ये उसकी वजह से ये कॉल रिसीव इसने की है, फिर ये अपने मकान की खातिर, क्योंकि ये रेंट पर रहती है तो ये मकान देखने के लिए वहाँ पर गई है। तो उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर दो बंदे और बुलाए हुए थे, दो ये खुद थे, टोटल चार मुलजमान हैं। तो तीन लोगों ने इसके साथ ज्यादती की है और एक बंदा जो है वो बकौल ये बीबी जो कहती है कि पिस्टल तान कर खड़ा रहा है, क्योंकि पिस्टल जो है वो भी हम लोगों ने रिकवर किया है, लेकिन जो पिस्टल रिकवर हुआ है वो एक प्लास्टिक का पिस्टल है ट्रॉय। ठीक है, वो अब इस बीबी को तो नहीं अंदाजा था कि ये प्लास्टिक का पिस्टल है, क्योंकि उस टाइम पे अंधेरा था, धूम थी, लेकिन उसके जोर पर ही इसके साथ जो है उन्होंने गैंग रेप किया। अच्छा मैम उनके जो डीएनए हो गया उसमें जुर्म साबित हो गया उनका? हाँ अच्छा, इनका जो है वो डीएनए करवाया गया है, डीएनए की जो रिपोर्ट है वो अभी हमें ऑलमोस्ट वन मंथ के अंदर रिसीव होगी, तभी इस चीज़ को डिटरमिन किया जाएगा मजीद। लेकिन दौरान तफ्तीश ये बात साबित हुई है कि इन लोगों ने जो है वो रेप, ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ जो है वो रेप किया है। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया, कानून में इसके लिए क्या सजा है? बेसिकली देखिए कानून में इसके जो है वो बहुत ही सख्त सजा है, हम इसे जो है वो 25 साल तक इन्हें सजा दे सकते हैं, और आइंदा जो है वो कोर्ट में जो ट्रायल है और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल की जाएगी, फिर अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी कोर्ट इसकी सजा जो है वो मुंतखब करेगा वो इनको दी जाएगी। अच्छा मैम मुझे ये बताइएगा कि ये आदि मुजरिम है, इनका पहले कोई रिकॉर्ड है ऐसा या कोई और रिकॉर्ड है? बेसिकली हम लोगों ने इनको चेक करवाया है, जो हमारे पास डाटा होता है उनमें इनका ऐसा जो भी कोई भी जो है वो मुकदमा या चीज़ सामने नहीं आई है। मजीद जो है हम तफ्तीश कर रहे हैं, हम लोग गिरदोनवा से भी पता कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि मुआशरे को महफूज किया जा सके।